नमस्कार मित्रों, काफ़ी दिनों से आप लोगों की कमेंट्स आ रहे थे कि आप यज्ञ वेदी जो होती है, यज्ञ कुंड जो होता है, उसके बारे में वीडियो बनाइए। और जो मैंने स्थंडल पर वीडियो बनाई थी उसमें भी काफ़ी लोगों के कमेंट्स आए थे, इसलिए मैं आपके लिए ये यज्ञ वेदी की वीडियो लेकर आया हूँ कि यज्ञ वेदी किस तरह की होना चाहिए, किस कलर की उसकी जो पट्टियाँ हैं, जो मेखलाएँ हैं वो होनी चाहिए और उसका माप क्या क्या होना चाहिए। तो वीडियो को पूरा देखें, आइए शुरू करते हैं। ये यज्ञ कुंड है और इसमें तीन मेखलाएँ यानी तीन पट्टियाँ होती हैं। तो जो सबसे नीचे की पट्टी होती है वह काले कलर की होती है और दो अंगुल की होती है, उसका माप दो अंगुल होना चाहिए। और जो बीच वाली पट्टी होती है उसका रंग लाल होता है और उसका माप तीन अंगुल होना चाहिए। और जो सबसे ऊपर वाली सफ़ेद कलर की पट्टी है या मेखला है, इसका माप चार अंगुल होना चाहिए। इस प्रकार कुल मिलाकर ये कुंड जो है भूमि से 9 अंगुल माप का होना चाहिए। और इस कुंड को आप देख सकते हैं, इसकी नीचे की जो पट्टी है इसका नाप सटीक 2 अंगुल रखा गया है, बीच वाली पट्टी का सटीक 3 अंगुल रखा गया है और जो ऊपर की पट्टी है उसका माप भी सटीक 4 अंगुल रखा गया है। उसके बाद अब बारी आती है इसकी जो योनि है, तो योनि का माप भूमि से 11 अंगुल होना चाहिए, यानी कुंड से केवल 2 अंगुल ऊपर होना चाहिए। तो इसकी योनि भी ठीक है और वैसे आकृति दिल के आकार की होना चाहिए, लेकिन फिर भी ठीक है, कुंड के हिसाब से ठीक बनाई गई है और कुंड से 2 अंगुल लगभग 3 अंगुल ऊंची होगी, लेकिन फिर भी जो आजकल जैसे कुंड बनते हैं उनसे ये कुंड उससे ये कुंड बहुत अच्छा है और लगभग 2 अंगुल ऊँची है और लाल कलर में ही ये पोती होनी चाहिए, ऐसा नियम है। और उसके अलावा इस कुंड को आप देखें, ये बीच में इसका जो खाली स्थान है उसका माप लगभग 1 हाथ या सवा हाथ है, लगभग सवा हाथ इसका माप है चारों बगल में। तो कुंड का जो मध्य में खाली स्थान होता है उसका माप सवा हाथ होना चाहिए और इस तरह से कुंड बनता है। कुंड देखें आप, बहुत ही सुंदर कुंड है और काफ़ी विधि से बनाया गया है, तो आप ध्यान से देखें इस कुंड को। और ये कुंड की योनि है, तो ये योनि लगभग भूमि से 11 अंगुल होना चाहिए, कुंड से 2 अंगुल ऊपर तक जानी चाहिए और दिल के आकार की होनी चाहिए और लाल रंग से ये पुती होना चाहिए। तो दिल का आकार इन्होंने नहीं दिया है किसी कारण से, लेकिन फिर भी ये योनि बहुत ही सटीक बैठी है इस कुंड पर और बहुत ही अच्छा कुंड है, शानदार कुंड है। तो कुंड इसी तरह से बनाना चाहिए, यह आप समझें और इस कुंड को बड़े ध्यान से देखें।